हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत एग्जाम देश के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि HEMM ऑपरेटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप अगर इन क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम पर आप एक भी क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड छोड़ के नहीं आएंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों इसके पहले भी मैंने हिंदी की 2 वीडियो बनाई हैं, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को देख लें, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों हिंदी की PDF प्राप्त करने के लिए, मतलब इसी वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनके प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो सके। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित आलोचकों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है? बताइए दोस्तों, इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में कौन सा लेखक थे, मतलब आलोचक थे, जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित थे, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल उत्तराखंड राज्य से संबंधित थे। ये एक तरह के प्रसिद्ध आलोचक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों यह, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? शतरंज के खिलाड़ी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों प्रेमचंद जी की। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों आप देख रहे होंगे चा शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार है। ठीक है दोस्तों, जब भी किसी पंक्ति में 2 या 2 से अधिक वर्ण आ जाए, ठीक है, आवृत्ति बार बार हो, 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पास हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कर्ष का विलोम है। दोस्तों इस पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा है आपसे उत्कर्ष का विलोम क्या है, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों NCL पे हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको परेशान होने की एक भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप इन आज की इस वीडियो को कम्प्लीट कर लिए दोस्तों, तो हिंदी की लगभग पूरी तैयारी आपकी कम्प्लीट हो जाएगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ऊढ़ा शतक के रचयिता हैं, बताइए दोस्तों इसके रचनाकार कौन है, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उद्धव शतक के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, एक वीर रस के कवि थे, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों वीर रस के कवि थे भूषण। ठीक है, इनका पूरा नाम था शिवराज भूषण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कफन कहानी किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों कफन, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों कफन प्रसिद्ध एक रचना है जिसके लेखक थे दोस्तों प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, जगदीश में कौन सी संधि है? ठीक है दोस्तों, बताइए जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? जगत धन इस। ठीक है, और इसमें रहेगा दोस्तों व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, जगदीश में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस कवि के दोहों के लिए गागर में सागर की पंक्ति उपयुक्त होती है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? और इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिहारी के दोहों के लिए गागर में सागर की उक्ति प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? दोस्तों इस पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में पूछा है कि इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है, मतलब सही शब्द है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कवित्री को कैसे लिखते हैं? कवित्री, हमेशा आप इसे याद कर लीजिए दोस्तों, एक न एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए दोस्तों, इन सभी में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा सही शब्द है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बताइए, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। उज्जल को हमेशा इस टाइप से लिखते हैं।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा परसर्गकर्ता में प्रयुक्त होता है? बताइए दोस्तों, परसर्गकर्ता में प्रयुक्त होता है और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, परसर्गकर्ता में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ने प्रयुक्त होता है, परसर्गकर्ता में ने प्रयुक्त होता है, ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए दोस्तों, परसर्गकर्ता में ने प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध मतलब दोस्तों कौन सा सही शब्द है और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आप देख रहे होंगे स्वास्थ्य को कैसे लिखा जाता है दोस्तों, कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? फिर से इसमें बोला दोस्तों, इन सभी में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो बताइए दोस्तों, अंतर्गत किस टाइप से लिखते हैं? अंतर्गत लिखते हैं दोस्तों अंतर्गत, ठीक है, गा के ऊपर राखी रेफ रहती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इस पे 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन पे आपके कितने सही रहे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हम बता सकें आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ इसकी पीडीएफ आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 15, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। दोस्तों इसके पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया था इसका आंसर, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आस्तिक शब्द का अर्थ प्रकट करता है और इसका आंसर रहेगा दोस्तों, आस्तिक मतलब होता है दोस्तों जो भगवान में इस विश्वास करता हूँ, अर्थात ईश्वर में विश्वास करने वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक दोस्तों, एक बार मैं फिर से आज को बता देता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं और इसका आंसर रहेगा दोस्तों श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, लेकिन कॉमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, ठीक है, कि इसका आंसर क्या रहा। आपने सही बताया तो उसको भी कॉमेंट में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल रही दोस्तों, रत्नावली किस कवि की पत्नी थी और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? और इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है और इसका आंसर रहेगा दोस्तों अवधि भाषा। ठीक है दोस्तों, अवधि भाषा रामचरितमानस की भाषा है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारा यह क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षिति का पर्यायवाची क्या है और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? क्षिति मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्षिति का पर्यायवाची पृथ्वी होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द है, ठीक है दोस्तों, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द में कौन से वाक्य को कहेंगे, कौन से शब्द को कहेंगे, बताइए दोस्तों। और इसका आंसर रहेगा दोस्तों, जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल शब्द है दोस्तों, रेल शब्द कौन सा शब्द है और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? और इसका आंसर रहेगा दोस्तों, रेल शब्द हमारा देश का शब्द है। ठीक है दोस्तों, देश में बोला जाता है, ठीक है, लेकिन रेलगाड़ी शब्द बोल लेते हैं दोस्तों इस पे, रेलगाड़ी शब्द, तो रेलगाड़ी शब्द हो जाता है दोस्तों संकर शब्द है। ठीक है दोस्तों, संकर शब्द है, रेलगाड़ी संकर शब्द है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई रिपीट फिर से कर देते दोस्तों मैं, 21 नंबर क्वेश्चन है, रेल शब्द है और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? रेल शब्द अपना देशज शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? विनय पत्रिका की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने की थी, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। चंद्रवरदाई की काव्यकृति का नाम है, बताइए दोस्तों इन सभी चार ऑप्शन में से किसने चंद्रवरदाई की रचना की थी, मतलब चंद्रवरदाई की प्रमुख रचना कौन सी है और इसका आंसर रहेगा दोस्तों? पृथ्वी राज रसो चंद्रवरदाई की प्रमुख कृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है
किसी किए गए उपकार को मानने वाला, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। कृतज्ञ मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों। मैंने शुरुआत क्वेश्चन में क्या बताया था, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। लीलाधर जोगड़ी भी उत्तराखंड से संबंधित है। धर्मवीर भारती दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। लेकिन सुमित्रा नंदन पंत हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। नहीं सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी दोनों करेक्ट आंसर रहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें दोनों ही उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे दोस्तों, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद है, बताइए दोस्तों प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों प्रतिधन एक, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे दोस्तों, अपने पैरों पर खड़े होना का अर्थ है, ठीक है दोस्तों। जैसे कभी कभी नहीं बोल देता कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो इसका आंसर इसका अर्थ क्या कहेंगे हिंदी पे, उसका मतलब होता है दोस्तों स्वावलंबी होना, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, लोकोक्ति कहावत बताइए, बताइए दोस्तों। इन सभी में चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में कौन सी एक लोकोक्ति है, ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक पंथ दो काज एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, ठीक है, कहावत है एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव है, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों शांत रस का स्थायी भाव दोस्तों निर्वेद होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से गौड़ शब्द का विलोम है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों। गौड़ शब्द का विलोम होता है दोस्तों मुख, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, दोस्तों इस पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन पे पूछा है किस शब्द में आ का प्रयोग, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक दोस्तों, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, अमली में आ का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसको पृथक नहीं किया जा सकता, इसमें किसी तरह का प्रत्यय मतलब उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, रौद्र रस का स्थायी भाव है, बताइए दोस्तों रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों क्रोध, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है दोस्तों। इन सभी में चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में बोला है कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों। आकाश का पर्यायवाची क्या हो रहेगा दोस्तों, अवनि, ठीक है दोस्तों, गगन नभ और अंबर, ठीक है, गगन नभ और अंबर आकाश के पर्यायवाची हैं, लेकिन अवनि जो है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बी नंबर पे आया है बड़वा नाल, ठीक है दोस्तों, बड़वा नाल का मतलब क्या होता है, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नाल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आई रिपीट, जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं, और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 34 में का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कम बोलने वाला के लिए एक शब्द है, बताइए दोस्तों जो कम बोलते हैं उसके लिए एक शब्द कौन सा यूज करेंगे, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मितभाषी, जो कम बोलते हैं उसे मितभाषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, आग उगलना है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, आग उगलना एक प्रसिद्ध मुहावरा है, ठीक है दोस्तों, मुहावरे छोटे होते हैं और लोकोक्ति बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, इस हाथ दे उस हाथ ले, यह एक तरह से प्रसिद्ध क्या है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इस हाथ दे उस हाथ ले एक तरह से यह दोस्तों मुहावरा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है, बताइए दोस्तों हिंदी जो वर्णमाला होता है वह किस लिपि में लिखी जाती है, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों देवनागरी लिपि, ठीक है दोस्तों।
हिंदी वर्णमाला हमेशा देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। इसके पहले भी मैंने बताया था हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सेम क्वेश्चन दोस्तों हिंदी वर्णमाला भी इसमें यूज कर दिया है। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुकूल का विलोम है? और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप क्वेश्चन पेपर पे हिंदी के क्वेश्चन को बड़ी आराम से पढ़िएगा, तभी आप हिंदी के क्वेश्चन को एक तरह से सही करके आ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक रहती है जिसे आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्दों में सूर का पर्यायवाची नहीं है? और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आप देख रहे हैं दिनकर सूर को कहते हैं, भानु सूर को कहते हैं, रवि सूर को कहते हैं, लेकिन गिरीश सूर को नहीं कहते हैं। गिरीश मतलब होता है दोस्तों पर्वत। ठीक है, इसलिए इसमें आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सूर का पर्यायवाची गिरीश नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, देव का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए दोस्तों देव का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? और इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देव का स्त्रीलिंग शब्द देवी होता है। ठीक है दोस्तों, देव देवी ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल रहे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? दोस्तों करुण पे हमेशा शोक होता है। ठीक है दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल रहे दोस्तों? फिर से बता दूँ दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल रहे दोस्तों? पौ वारह होने का अर्थ क्या है? दोस्तों यह एक तरह से मुहावरा है और इसका आंसर क्या होता है दोस्तों? अपेक्षा से अधिक लाभ होना को पौवारा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पौवारा होना मतलब अपेक्षा से अधिक लाभ होना। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आप अगर इन सब क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी कंप्लीट हो जाएगी, और आप पेपर टाइम पे एक बार इसे और रिवीजन कर लेना ताकि आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिल सकेगी। ठीक है दोस्तों, आप इसे अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो हिंदी के क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, निम्नलिखित में से पलक बिछाना का अर्थ है? और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? पलक बिछाने का अर्थ होता है दोस्तों स्वागत के लिए उत्सुक रहना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, भारतीय शब्द का वचन बहुवचन क्या होगा? दोस्तों भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? और इसका आंसर रहेगा दोस्तों भारतीयों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है? और इसका आंसर आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, मुझे पता है। और इसका आंसर रहेगा दोस्तों, उल्लू सीधा करने का मतलब होता है दोस्तों स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? दोस्तों इस पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में पूछा है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा जिसमें किसी तरह के भाव की प्रधानता हो। ठीक है, मनुष्य के भाव की प्रधानता हो। ठीक है, आप देखेंगे कि ए बी और सी और ए बी और डी इस पे कौन सी भाववाचक संज्ञा, आप खुद ही पहचान लेंगे। और आप देख रहे होंगे दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चतुराई एक भाव है। ठीक है, होशियार चतुराई एक तरह से एक भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल रहे दोस्तों, साकेत किसकी रचना है? और इसका आंसर दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की साकेत प्रमुख रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राम का मुख चंद्रमा के समान है? और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राम का मुख चंद्रमा के समान है, इसमें कौन सा अलंकार रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक की तुलना दूसरे से की गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि राम की तुलना चंद्रमा के समान है। ठीक है, बताया गया है ना एक तरह से। ठीक है, तुलना की गई है उसके समान है। ठीक है, तुलना की गई, तुलना में हमेशा दोस्तों उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं दोस्तों द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, द्वंद्व समास में दोनों
पदों की प्रधानता रहती है। ठीक है दोस्तों, जैसे माता पिता, माता और पिता दोनों ही प्रधान शब्द हैं, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मेरी मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की यहाँ परे, श्याम हरित दूत हुए, इसमें कौन सा छंद है और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों। मेरी भवबाधारो रंगे राघव की प्रमुख रचना है दोस्तों, रंगे राघव जी के प्रमुख रचना है और इसमें कौन सा छंद है दोस्तों, यह एक तरह का दोस्तों दोहा छंद है। ठीक है, आप देखेंगे दोहा छंद किसे कहते हैं दोस्तों, जिसके जिसके पहले वह तीसरे पद में 13-13 मात्रा व दूसरे व चौथे पद में 11-11 मात्राएं हो। ठीक है दोस्तों, उसे दोहा छंद कहते हैं। ठीक है, आप इसी में मात्राएं की गणना करेंगे दोस्तों, तो पहले और तीसरे पे 13 आएंगी जबकि दूसरे और चौथे पे 11 आएंगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा छंद मतलब छंद रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नानक किस काव्यधारा के कवि हैं और इसका आंसर रहेगा दोस्तों, नानक सूफी काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा, इसके पहले भी मैंने बताया था दोस्तों, भाववाचक मतलब एक तरह का भाव प्रकट होता है, तो इस पे दोस्तों ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी एक तरह की भाववाचक संज्ञा है। देखिए देखिए दोस्तों, पहला है ममता, दूसरा है समता और तीसरा है कटुता, एक तरह के भाव हैं, लेकिन आप देख रहे हो दोस्तों लता का दूसरा ही मर्म अर्थ निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें लता भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सूरदास के गुरु थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और HEMM ऑपरेटर पे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे टाइप क्वेश्चन मैं नहीं मानता हूँ कि आ सकता है और इसका आंसर रहेगा दोस्तों, सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे दोस्तों। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है दोस्त, संबंधवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो दूसरी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, संबंधवाचक संज्ञा इस पे जिस है। ठीक है दोस्तों, जिस जैसे ये संबंधवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अपिर्भाव शब्द का विलोम अर्थी है, विलोम अर्थी मतलब दोस्तों विलोम शब्द है और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, अविर्भाव शब्द का विलोम है प्रादुर्भाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एकल शब्द का विलोम है और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, एकल का हो गया दोस्तों बहुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आई रिपीट, एकल शब्द का विलोम बहुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अंकुश का ठीक विपरीत शब्द क्या होगा दोस्तों, अंकुश का ठीक विपरीत शब्द होगा दोस्तों निरंकुश, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अंकुश का विलोम निरंकुश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से प्राकृतिक शब्द का विलोम होगा और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, प्राकृतिक शब्द का होगा दोस्तों विलोम कृत्रिम होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, प्राकृतिक शब्द का विलोम कृत्रिम होगा, यह पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक शब्द आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रा वर्ण व्याकरण के अनुसार है, 60 में पूछा है, रा व्याकरण के अनुसार है और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, व्याकरण के अनुसार दोस्तों यह स्वर है, कौन सा स्वर है दोस्तों, संयुक्त स्वर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, संयुक्त स्वर को दोस्तों हास्य स्वर भी कहते हैं, हास्य स्वर भी कहते हैं संयुक्त स्वर को। ठीक है, आई रिपीट, रा वर्ण संयुक्त स्वर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोहा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितने मात्राएं होते हैं दोस्तों, इसके पहले मैंने बताया था दोहा छंद आया था तो मैंने क्या बताया था कि पहली और तीसरे, ठीक है, पहले व तीसरे पद में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे पद में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं हो जाएगी दोस्तों, 24 हो जाएंगी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, दोहा छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, महाप्राण ध्वनि है दोस्तों ध, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों,
धा शब्द महाप्राण महाप्राण ध्वनि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। राजपुरुष में कौन सा समास है बताइए दोस्तों, राजपुरुष में कौन सा समास है, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों तत्पुरुष समास है, ठीक है। राजा का पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ऊष्म वर्ण कौन से हैं दोस्तों, ऊष्म वर्ण वे उस वर्ण होते हैं जिनको बोलने से मुंह से एक तरह की ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा मतलब दोस्तों एक तरह की गर्माहट उत्पन्न होती है, और इसमें आंसर क्या रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सा और हा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जब आपने उच्चारण करेंगे दोस्तों एक तरह की ऊष्मा निकलती है, इसलिए ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सा आप देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चन को अपने कापी पे लिखते चलिए ताकि परीक्षा टाइम पे इसका रिवीजन किया जा सके। दोस्तों आपको उजागर से भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे कभी गलत मत करना। और इसका आंसर है दोस्तों चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास नहीं है, ठीक है दोस्तों। अव्ययी भाव मतलब दोस्तों अवयव लगा हो, तो आप देखेंगे इसमें कौन से में अवयव लगा है, तो राजपुत्र पे नहीं लगा है, प्रतिदिन में नहीं लगा है, प्रत्येक में नहीं लगा है, और इसमें लगा दोस्तों यथा, यथा एक तरह का दोस्तों अवयव है, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। यथा शक्ति में अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास थोड़ी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 67, कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही पंक्ति होती है, कर्ता ने अरुकर्म को, ठीक है, करण चिन्ह से जान, अपादान से मान, ठीक है। एक तरह से एक पंक्ति होती है, आप उसे याद कर लीजिएगा, नेट में आपको मिल जाएगी। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कर्ता ने अरु कर्म को, कर्म के बाद दोस्तों को आया है, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई रिपीट दोस्तों, कर्म कारक चिन्ह के लिए को का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का विलोम है। तो दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे प्रकाश का विलोम है, तो अंधकार भी है, अंधियारा भी है और अंधकार भी है, लेकिन दोस्तों ये सभी शब्द अच्छे नहीं हैं, तो इसके लिए दोस्तों तम का यूज होगा, ठीक है दोस्तों। तम प्रकाश का बहुत ही अच्छा विलोम शब्द है, ठीक है दोस्तों। आई रिपीट, प्रकाश का विलोम शब्द होगा दोस्तों तम होगा, ठीक है दोस्तों। हालांकि तीनों सही हैं, वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तीनों अंधकार अंधियार और अंधकार लिखे रहते हैं तो उसमें तम अप लगा के आना, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आई रिपीट फिर से दोस्तों, प्रकाश का विलोम यहाँ पास तम होगा, ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा नहीं दोस्तों, यहाँ पास प्रकाश का विलोम होगा जिसपे इस टाइप मतलब इस टाइप के चारों ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। जब इस टाइप के चारों ऑप्शन दिए रहें तब आपको तम लगाना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हर्ष का सही विलोम शब्द कौन सा होगा, बताइए दोस्तों हर्ष का सही विलोम शब्द कौन सा है। आप देख रहे होंगे दोस्तों हर्ष का मतलब तीनों मतलब ये दोनों भी हर्ष के विलोम है और ये दोनों भी हर्ष के विलोम है, लेकिन दोस्तों सही विलोम शब्द इसमें विषाद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सेम टू सेम दोस्तों इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा था, प्रकाश का सही विलोम शब्द है, तो आप देखेंगे दोस्तों ये भी सही है, इसका विलोम शब्द है, इसका विलोम शब्द ए भी है, ए भी है, लेकिन दोस्तों प्रकाश का सही विलोम शब्द होता है तम, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और इसी टाइप में दोस्तों हर्ष का सही विलोम शब्द कौन सा होगा, विषाद, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दोपहर 12 बजे के बाद का समय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वाह्न, ऑप्शन नंबर बी अपराह्न, ऑप्शन नंबर सी मध्याह्न, ऑप्शन नंबर डी संध्या, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, दोपहर 12 बजे के बाद आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस तरह लिख सकते हैं 12 PM, ठीक है, मतलब पोस्ट मेरिडियम, इसका मतलब होता है दोस्तों अपरहान, ठीक है दोस्तों अपरहान, ठीक है, हिंदी में से बोलते दोस्तों अपरहान, ठीक है। और AM को क्या लिखते हैं दोस्तों, इस टाइप में अगर होता दोपहर 12 बजे के पहले का समय क्या कहलाता दोस्तों,
दोपहर 12 बजे के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। ठीक है, ए एम लिखते दोस्तों, ए एम पी एम होता ना, ए एम का मतलब होता है दोस्तों एंटी मेरेडियम और पी एम का मतलब दोस्तों दोस्तों पास्ट मेरेडियम। ठीक है, तो एंटी मेरेडियम का मतलब होता है दोस्तों पूर्वान होता है दोस्तों, और पीएम का मतलब होता है दोस्तों अपर हान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। त्र्यंबक शब्द का कौन सा शब्द यूज है, त्र्यंबक शब्द में कौन सा समास है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, त्र्यंबक में दोस्तों आप देखेंगे बहुव्रीहि समास है। ठीक है दोस्तों, त्र्यंबक में बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें किसी भी पद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पलंग शब्द का तत्सम शब्द है दोस्तों, इस पे पलंग शब्द है उसमें इसका तत्सम शब्द होगा, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, पलंग का तत्सम शब्द दोस्तों पर्यंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए दोस्तों, पलंग का तत्सम शब्द होता है दोस्तों पर्यंक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इन सभी चार ऑप्शन में तत्सम शब्द कौन सा है, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों, इन इन सभी चार ऑप्शन में से धीट तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य, गौ तथा जल आदि शब्द हैं, कौन से शब्द हैं दोस्तों, ये सभी तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ये सभी तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए है व्याघ्र, ऑप्शन नंबर बी सांप, ऑप्शन नंबर सी पत्थर, ऑप्शन नंबर डी चांदी मतलब नींद, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, व्याघ्र जो है व्याघ्र तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द को किंचित परिवर्तन के साथ बोले जाते हैं। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, महानता शब्द में प्रत्यय है। ठीक है, महानता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आप देखेंगे दोस्तों महानता को इस तरह से लिख सकते हैं, महान प्लस ता। ठीक है, आप देखेंगे जो ता है दोस्तों उसके मतलब महानता शब्द के लास्ट में जुड़ा हुआ है, जो लास्ट में जुड़ते हैं दोस्तों उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा शब्द जुड़ा दोस्तों, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, महान प्लस ता बराबर महानता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हा रघुवीर देव रघुराया के अपराध विसारु दाया, इसमें कौन सा रस है दोस्तों, आप देख रहे होंगे इसमें इसको इस पंक्ति को आप पढ़ेंगे, के ही अपराध विसार हूँ दाया। ठीक है, तो इसमें एक बिछड़ने की बात की गई है, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगी, जहाँ भी बिछड़ने की बात की जाए वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक है, और रस का सबसे पहला रस श्रृंगार रस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं है दोस्तों, इसमें इन सभी में चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा रस के अंतर्गत नहीं आता है, आप देखेंगे दोस्तों, रौद रस भी होता है, हास्य रस भी होता है, भयानक रस भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जो व्यंग है दोस्तों हमारे रस के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूक शब्द का विलोम क्या है। ठीक है दोस्तों, मूक शब्द वे मतलब मूक शब्द का विलोम क्या होगा, मूक मतलब होता है दोस्तों जो कुछ भी नहीं बोले। ठीक है दोस्तों, जैसे कभी कभी नहीं बोलता, मूक प्राणी एक तरह से जो कुछ भी नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, मूक शब्द का विलोम वाचल होगा। ठीक है, मूक मतलब होता है दोस्तों कुछ ना बोलने वाला, और वाचल मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं, अध्यंत शब्द का अर्थ है, अध्यंत शब्द का अर्थ है दोस्तों आदि से अंत तक, उसको बोलते हैं दोस्तों अध्यंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, जिज्ञासु शब्द का अर्थ है दोस्तों, आप HEMM पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी मतलब हिंदी की यह वीडियो है दोस्तों, आप इसे एक बार कंप्लीट कर लीजिए, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जिज्ञासु के अर्थ क्या होता है, जिज्ञासु मतलब होता है दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, छ वर्ण के अनुसार है,
व्याकरण के अनुसार कौन सा शब्द है दोस्तों? छावर्ण। और इसका आंसर रहेगा दोस्तों, छावर्ण जो है दोस्तों संयुक्त व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, का और छा मिलकर छा का निर्माण करते हैं, इसलिए दोस्तों सॉरी दोस्तों का प्लस छा मिलकर इस तरह बनते दोस्तों छा। ठीक है दोस्तों, अर्थात ये दोनों संयुक्त व्यंजन है, छावर्ण एक संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, वृक्षों से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है? वृक्षों से, इसके पहले भी मैंने एक युक्ति मतलब पंक्ति बताई थी दोस्तों, कर्ता ने अनुकर्म को करण चिन्ह से जान और अपादान से मान। ठीक है, यहाँ पर से आ गए, से शब्द के लिए दोस्तों हमेशा अपादान का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कंठ का विशेषण होगा, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कंठ का विशेषण होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंठ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द कोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? ठीक है दोस्तों, आप जैसे डिक्शनरी का यूज करते होंगे, ठीक है, डिक्शनरी पे जैसे आ ए बी सी इस टाइप में लगते हैं, उसी टाइप में हिंदी में अल्फाबेटिकल के रूप में इसको अपने को जमाना है। तो इन सभी में चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में कौन सबसे पहले आएगा अपने को बताना है। तो ठीक है दोस्तों, पहले में अंक लिखा गया है, ठीक है, उसके बाद अकंठ लिखा है, इसके बाद अम्ब लिखा है, इसके बाद अम्ब लिखा है। तो आप देखें दोस्तों, का खा गा, ठीक है, तो उसमें कौन सा आएगा सबसे पहले दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है, अंक सबसे पहले आएगा, ठीक है, इन चार शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, मानक लिपि में भाषा से क्या आती है? और इसका आंसर दोस्तों आप सभी लोग सही बताएंगे, मानक लिपि से भाषा में एक रूपता आती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अम्ब व्याकरण के अनुसार है दोस्तों, अम्ब जो व्याकरण के अनुसार है एक तरह का अनुस्वार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई रिपीट, अम्ब व्याकरण के अनुसार दोस्तों एक तरह का अनुस्वार है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तालव्य है दोस्तों? तालव्य है, कौन सी ध्वनि तालव्य है दोस्तों? मैं बता दूं, तालव्य ध्वनि कौन कौन सी होती है? च, झ और इंगा, ये एक दोस्तों एक तरह से तालव ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं इस सभी में कौन से में चा झा और इन सभी लिखे हो दोस्तों, ये सभी तालव्य ध्वनि कहलाती हैं। तो इसमें कौन सा लिखा दोस्तों? इन सभी में होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन किस नगर में स्थित है? और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, इलाहाबाद कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इलाहाबाद को अब क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? और इसका आंसर है दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कलकत्ता लिखा है, जैसे आप हम लोग कोलकाता बोलते हैं। ठीक है, कोलकाता की राजधानी है दोस्तों, किसकी राजधानी है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, उदित मार्तंड किस भाषा का पहला समाचार पत्र है? दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, उदित मार्तंड सबसे पहला समाचार है, और किस भाषा का है दोस्तों? वह हिंदी भाषा का पहला समाचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित हिंदी के प्रसिद्ध पत्रिका का क्या नाम है? ठीक है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, तो उन्होंने अपनी संपूर्ण रचना को एक पत्रिका में प्रकाशित की, उनकी उस पत्रिका का नाम क्या था दोस्तों? सरस्वती था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों आप देख रहे हो, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? ठीक है दोस्तों, चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु एक किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रहु, इसमें कौन सा समास आएगा दोस्तों? ब्रहुवीय समास। ब्रहुवीय समास की परिभाषा यह होती है दोस्तों, जो किसी अन्य पद की ओर संकेत करता हो। तो आप देख रहे हो दोस्तों, चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु भगवान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सम्राट का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा दोस्तों? सम्राग्री होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है?
और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, आप इसे पढ़िए और बताइए हमें क्या रहेगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए है चांदी सोना, ऑप्शन नंबर बी है पिता माता, ऑप्शन नंबर सी है पुरुष स्त्री, और ऑप्शन नंबर डी है 10 और 20। ठीक है, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों 10 और 20, क्योंकि यह एक तरह से क्रम से जुड़ा हुआ है। आप हमेशा पढ़ते हैं माता पिता सोना चांदी और स्त्री पुरुष पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, ना कि इनका उल्टा पढ़ते हैं। तो इसमें क्या आंसर रहेगा दोस्तों, 10 20 एक तरह से सही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। दोस्तों इस पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा अशुद्ध है अपने को ये बताना है। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि वाल्मीकि इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शीला ने मोतियों की एक माला खरीदी, जो कि पूरी तरह से गलत वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से अष्टछाप कवि नहीं है। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, अष्टछाप कवि कुंभन दास भी थे, परमानंद दास भी थे और कृष्णदास भी थे। ये सभी दोस्तों अष्टछाप कवि थे, लेकिन दोस्तों नाभादास जो थे ये अष्टछाप कवि नहीं थे। ठीक है दोस्तों, इसमें बोला है अष्टछाप कवि नहीं थे। ठीक है, अर्थात इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, नाभादास अष्टछाप कवि नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी ये सभी अष्टछाप कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, इनमें से एक राज्य हिंदी भाषी है। बताइए दोस्तों, इन सभी पे चार राज्य दिए गए, पहला है गुजरात पंजाब और महाराष्ट्र दिए गए। इन सभी पे दोस्तों इनकी एक क्षेत्रीय भाषा है, जैसे आप देखेंगे गुजरात में गुजराती बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं और महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में दोस्तों हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोलते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार पे हिंदी भाषा राज्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है। बताइए दोस्तों, इन सभी में से कौन से शब्द शुद्ध है। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, श्रृंखला शब्द को कैसे टाइप से लिखते हैं दोस्तों, इस टाइप से कुछ लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो पे हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कराया। मैंने मानता हूँ दोस्तों आप सभी लोग अगर आप इसे कंप्लीट कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप पेपर पे छोड़ के आएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो सके। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो।